हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि हम अपनी आर्यस की क्लासेस कंटिन्यू करते हुए आज स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक, भूकंप। क्या है ये भूकंप? ये जो हम काफी बार सुनते हैं, इतनी बार आ चुका है, आखिर है क्या भूकंप, वो देखते हैं। भूकंप इज अ शेकिंग एंड ट्रेवलिंग, मतलब एक कंपन है, शेकिंग और ट्रेम्बलिंग है। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। जब हमारे अर्थ के अंडर में सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी एकदम से रिलीज होती है, तो उसी रिलीज के कारण हमारे पास यहाँ पर कुछ ऊपर की तरफ कंपन क्रिएट होती है, और उसी कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप। ओके, भूकंप इज अर्थक्वेक इज अ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। एंड दिस सडन रिलीज, मतलब ये जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, ये जो ऊपर की तरफ हमारे पास कंपन क्रिएट होती है, ये आगे क्या बनाती है? सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। इट क्रिएट सिस्मिक वेव्स। और ये जो हम भूकंप को मेजर करते हैं, इसके जो भूकंप की पूरी इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ, और इसका जो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी है, मतलब हम तीव्रता और परिमाण देखते हैं, वो कौन देखता है? रिचर स्केल। ओके, तो ये आप पहले भी क्लियर कर लें कि जो परिमाण और तीव्रता है वो रिचर स्केल मापता है, और जो भूकंप का कंप्लीट रिकॉर्ड है, सिस्मिक वेव्स का रिकॉर्ड है, वो सिस्मोग्राफ में आता है। हमने यहाँ पर साइड में एक भूकंप का डायग्राम बनाया है, इसमें हम देख सकते हैं ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे कहते हैं फोकस, जहां से भूकंप स्टार्ट होता है। इसी फोकस पे हमारे पास सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी एकदम से रिलीज होती है, जिसे हम फोकस कहते हैं। फोकस जब ऊपर की तरफ यहां पर अर्थ सरफेस पे आता है, मतलब अर्थ सरफेस पे जस्ट अबव द फोकस जो पॉइंट है, फोकस के एकदम सीध में जो हमारे पास अर्थ सरफेस पे पॉइंट मिलता है, हम उसे कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर और फोकस में यही फर्क है कि फोकस हमारे पास अर्थ के अंदर पाया जाता है, तो एपिसेंटर हमारे पास अर्थ के ऊपर, सेम उसी फोकस के ऊपर। ओके, यहां पर फोकस के जस्ट ऊपर जो हमारे पास अर्थ पे पॉइंट आएगा वो एपिसेंटर। उसके अलावा ये जो हमने सर्कल्स बनाए हैं, ये हमारे पास वेव्स है, तरंगे, भूकंप की तरंगे। और ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं यहाँ पर वेव्स के ऊपर, इन तरंगों के ऊपर ये जो डॉट्स बनाए हैं, इन डॉट्स को हम आइसोसिस्मिक लाइंस कहते हैं। ये आइसोसिस्मिक लाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो तीव्रता है हमारे पास तरंगों की, वो सेम रहती है, और जिन लाइंस पर तीव्रता सेम रहती है, मतलब इंटेंसिटी सेम रहती है हमारे पास, तो उसे हम आइसोसिस्मिक लाइंस भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फोल्ड्स का, ये जो यहाँ पर फोकस एक लाइन गुजर रही है, इसे कहते हैं फोल्ड, जहां पर अर्थ के अंदर हमारे पास जो फोल्ड क्रिएट हुआ था, चाहे किसी भी वजह से हुआ हो, लेकिन जो फोल्ड क्रिएट हुआ, मतलब जो दरार आई, वो होती है फोल्ड, ये री लाइन। और वो जब लाइन हमारे पास ऊपर अर्थ सरफेस पे दिख रही है, उसे हम कहते हैं फोल्ड स्कार। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ की है, ये आपको दिख रही है 50 किलोमीटर, इसे हम 0 किलोमीटर मान लेते हैं। अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस को हमने 0 किलोमीटर माना है। जैसे जैसे डीप जाते रहेंगे, वैसे वैसे हमने किलोमीटर इंक्रीज कर दिया, 50 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 700 किलोमीटर। जो अर्थक्वेक है वो सबसे डीप हमारे पास 700 किलोमीटर पे ही मिलते हैं। तो अगर हमारे पास अर्थक्वेक यहां से, मतलब 0 से 50 किलोमीटर के बीच में क्रिएट हो, मतलब जो फोकस है वो हमारे पास इस पॉइंट पे क्रिएट हो जाए, या फिर 0 से 50 के बीच में कहीं भी क्रिएट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं शैलो अर्थक्वेक, शैलो और मॉडरेट। आप कोई भी नाम बोल सकते हैं, शैलो और मॉडरेट अर्थक्वेक। ये शैलो और मॉडरेट अर्थक्वेक सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान हमें शैलो और मॉडरेट अर्थक्वेक ही करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, मतलब जो अर्थ की ऊपर वाली परत है वो यही है, इसके जस्ट नीचे हमारे पास 50 किलोमीटर की लाइन है, इन दोनों के बीच में अगर हमारे पास अर्थक्वेक अकर हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमारे पास फोकस क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो तरंगे हैं वो जल्द ही जमीन पर हमारे पास, मतलब ऊपर सरफेस पे दिखने लगेगी, और जितनी जल्दी उसका असर हमारे पास सरफेस पे आएगा, उतना ज्यादा उसका नुकसान होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि शैलो और मॉडरेट जो अर्थक्वेक है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 50 से 250 किलोमीटर। ओके, सेकंड लेयर हम बनाते हैं 50 से 250 किलोमीटर, मतलब जो 50 से 250 किलोमीटर के बीच में अर्थक्वेक अकर हो रहा है, जैसे कि हमने इस डायग्राम में बनाया फोकस, तो इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट।
इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। ओके, ये इंटरमीडिएट अर्थक्वेक हमारे पास डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, बट ये शैलो से कम होते हैं। हम अगर शैलो से कंपेयर करें तो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक कम असर करते हैं अर्थ पर। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया, जो शैलो अर्थक्वेक है वो अर्थ के एकदम पास में है, जो ऊपर वाली लेयर है, अर्थ सरफेस है, उसके एकदम पास में है, जिसकी वजह से उसके जो तरंगे हैं, उसका जो असर है, वो जल्द ही हमारे पास ऊपर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन हम जैसे जैसे नीचे आएंगे, वैसे वैसे इसके जो अर्थक्वेक है ऊपर पहुंचने में टाइम लगाएगा, और जितना ज्यादा टाइम लगाएगा उतना कम इसका असर पहुंचेगा, राइट? तो वही है कि 50 से 250 किलोमीटर के बीच में जो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक है वो असर करते हैं, लेकिन कम करते हैं इन कंपैरिजन टू शैलो एंड मॉडरेट। अब जो हमारे पास लास्ट आता है 250 से 700 किलोमीटर, ओके, हम इसे कहते हैं डीप फोकस। ये नेम्स तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। डीप फोकस मतलब फोकस ऐसा जो बहुत ज्यादा गहराई में हो, डीपली जो हमारे पास फोकस मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी वो किसके बीच में होता है, 250 और 700 किलोमीटर। फोकस को हम अभिकेंद्र भी कहते हैं, और जो एपिसेंटर है हम उसे ऊपरी केंद्र भी कहते हैं। तो जो हमारे पास अभिकेंद्र बहुत ज्यादा गहराई में हो, मतलब लास्ट पॉइंट पे कह सकते हैं 250 से 700 किलोमीटर तक, तो उसकी वजह से जो उस फोकस को हम क्या कहते हैं, डीप फोकस, मतलब बहुत गहराई में हमारे पास अभिकेंद्र है और जिसका असर सबसे कम हमारे पास ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोकस हमारे पास अर्थ के अंदर नहीं करेगा, अर्थ के अंदर भी इसका काफी फोकस क्रिएट होता है, लेकिन जितना इसके अर्थ के अंदर, मतलब हमारे पास पृथ्वी के अंदर वाली जो लेयर्स है वहां पर फोकस हो रहा है, उसके कंपैरिजन में ऊपर कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर पहुंचते पहुंचते टाइम लगाएगा और तब तक इसका असर कम हो चुका होगा। लेकिन जो शैलो और मॉडरेट है ये सबसे ज्यादा असर करते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि भूकंप होता क्या है। एक्चुअल में ये कंपन ही है जो कि सिर्फ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से होती है। एनर्जी जो हमारे पास अर्थ के अंदर इतनी इकट्ठी हो चुकी है वो एकदम से रिलीज होती है, जिसकी वजह से भूकंप क्रिएट होता है, और वो सिस्मिक वेव्स बनाते हैं। उन्हीं सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड कौन करता है, सिस्मोग्राफ। और जो भूकंप का हम तीव्रता या परिमाण देखते हैं वो कौन रिकॉर्ड करता है, रिक्टर स्केल। और भूकंप में हमने देखा कि जो हमारे पास अर्थ के अंदर मिडल, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है भूकंप, उसे हम फोकस या अभिकेंद्र कहते हैं। और जो ऊपर हमारे पास अर्थ सरफेस पे पॉइंट दिखता है फोकस के जस्ट ऊपर, उसे हम एपिसेंटर या ऊपरी केंद्र भी कहते हैं। और इसके अलावा हमने देखा ये जो लाइंस ड्रॉ की है सिस्मिक वेव, और जिन लाइंस पर हमें इंटेंसिटी सेम मिले वो आइसोसिस्मिक लाइन। और ये थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, शैलो और मॉडरेट जो सबसे ज़्यादा असर करते हैं, उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट 50 से 250 जिनका असर कम होता है इन कंपेरिजन टू शैलो और मॉडरेट, और जो लास्ट है डीप फोकस, उसका असर सबसे कम होता है। ठीक है, तो हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास थ्री टाइप्स की वेव्स मिलती है, उसे समझते हैं। तो ये है हमारे पास सिस्मिक वेव्स, हमने अभी कहा था कि चलो देखते हैं थ्री सिस्मिक वेव। तो हमारे पास जो मेजर सिस्मिक वेव्स है वो है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव। लेकिन हम सिस्मिक वेव्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि है बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। चलो देखते हैं कि ये होता क्या है। देखो बॉडी वेव्स हमारे पास अर्थ के अंदर जो क्रिएट होती है, अब अर्थ सरफेस ये रहा, अर्थ सरफेस के अंदर जो हमारे पास वेव्स क्रिएट हुई है हम उसे बॉडी वेव्स कहते हैं। लेकिन अर्थ सरफेस के ऊपर जो हमें वेव्स देखने को मिलती है, जो वेव्स क्रिएट होती है, उसे हम सरफेस वेव कहते हैं। जैसे कि नाम खुद बता रहा है, सरफेस पे दिखने वाली वेव्स, मतलब ऐसी तरंगे जो हमारे पास ऊपर भूमि पर दिख रही है हम उसे सरफेस वेव कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर में जाकर जो वेव्स क्रिएट है हम उसे बॉडी वेव्स कहते हैं। अब देखिए हमारे पास बॉडी वेव्स में ये टू टाइप्स की वेव्स आती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन सरफेस वेव में ओनली सिंगल वेव है, एल वेव्स, ओके, लॉन्ग पीरियड वेव्स। तो बॉडी वेव्स में हम देखते हैं प्राइमरी वेव सबसे पहले। प्राइमरी वेव में हम ऐसा समझ सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और साउंड वेव की तरह। जैसे कि आप काफी बार देखा होगा कि जब भी बिजली चमकती है तो बिजली के चमकने की वजह से, मतलब जब भी थंडरिंग होती है उसकी वजह से आपके घरों की खिड़कियां खुल के बंद हो जाती है, राइट? तो वो किस वजह से होती है, वो इसी वजह से कि वो जो साउंड वेव क्रिएट हुई थी वो पुश और पुल करती है उस विंडो को। तो वैसे ही सेम यहां पर है कि जो प्राइमरी वेव्स है, हम इसे पी वेव्स भी कहते हैं, तो जो पी वेव्स है वो भी साउंड वेव्स की तरह है।
ये भी साउंड वेव्स की तरह है, ये पुश और पुल करती है रॉक्स को, इसीलिए हम इसे एज साउंड वेव भी कहते हैं। जैसे कि खिड़कियां पुश और पुल हुई थी साउंड वेव की वजह से, वैसे ही पी वेव्स की वजह से जो रॉक अर्थ के अंदर हमारे पास रॉक्स है वो पुश और पुल होते हैं, जिसकी वजह से कंपन क्रिएट होती है। ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव हम इसे कहते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जाती है। ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है एंड दीज आर द फास्टेस्ट वेव। ये सबसे ज्यादा फास्ट वेव होती है, ये सबसे पहले पहुंचती है सरफेस पे। ओके, और इसकी जो पी वेव में सबसे अलग बात है बाकी वेव से, वो ये है कि ये तीनों सरफेस से जाती है, तीनों सरफेस से जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी भी काफी हाई है और दिस कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव है ये ऐसे जाती है, ओके, लाइक दिस। सो सेकेंडरी वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स और ये वाटर रिपल्स की तरह, आप पानी में पत्थर डालेंगे तो वो जब आप पत्थर डालेंगे तो वहां पर भी ऐसे ऐसे क्रिएट होंगे ना रिपल्स, राइट? तो वैसे ही यहां पर है कि सेकेंडरी वेव्स हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है वाटर रिपल्स की तरह, ये ऐसे क्रिएट होती है। ओके, और ये सरफेस पे कुछ टाइम बाद पहुंचती है, ये धीरे धीरे पहुंचती है। इनकी स्पीड अप्रोक्स 3.5 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर होती है, लेकिन इनकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड है। यहाँ पर 3.5 टू 4.5 किलोमीटर पर सेकंड है और ये वेव्स हमारे पास प्राइमरी वेव्स के कंपैरिजन में थोड़ा लेट पहुंचती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी वेव्स है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास होती है, लिक्विड और गैसेस से पास नहीं होती है। तो ये जो हमने अभी अभी देखा कि सॉलिड से पास होती है, लिक्विड और गैसेस से पास नहीं होती, ये हमें बताता है, मतलब इनसे काफी पता लगा कि जो हमारा अर्थ का आउटर कोर है वो लिक्विड से बना है। ओके, आउटर कोर हमारे पास लिक्विड से बना है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से इनर कोर लिक्विड से बना है, आउटर कोर सॉलिड है। तो क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एस वेव है ये बाहर से पास होगी, इनर कोर में नहीं गई, ये आउटर कोर से गई है। तो यहां से हमें पता लगा कि इनर कोर लिक्विड से बना है। उसके बाद हम देखते हैं सरफेस वेव्स, जो हमारे पास लास्ट वेव है। सरफेस वेव्स को हम एल वेव्स भी कहते हैं। ओके, सरफेस वेव्स इज ऑल्सो नोन एज एल वेव्स, लॉन्ग पीरियड वेव्स। ये लॉन्ग पीरियड तक चलती है वेव्स और ये ऐसी वेव्स है जो सरफेस पे दिखती है, ये हमारे पास डेप्थ में नहीं है वेव्स। डेप्थ में जो मतलब अर्थ के अंदर, हम पृथ्वी के अंदर की जो वेव्स देखते हैं वो टू ही है, प्राइमरी और सेकेंडरी, पी और एस वेव। लेकिन जो हमारे पास सरफेस के ऊपर दिख रही है, यहाँ पर मतलब भूमि के ऊपर जो वेव्स दिखेगी वो है एल वेव्स। ओके, लॉन्ग पीरियड तक चलती है, काफी टाइम तक चलती है और इनकी फ्रीक्वेंसी लो है और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन ट्रांसवर्स करती है। जैसे ये था ये जो हमारे पास पोजीशन है, ये जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में हमारे पास वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और वो कौन करती है? एल वेव्स। ओके, उसके बाद हम देखते हैं दिस अफेक्ट ओनली एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर ये वेव्स अफेक्ट करती है, ये अंदर अफेक्ट नहीं करती है, मैं पहले भी बोल दिया। इसके बाद हम देखते हैं ये हाईएस्ट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करती है, कौन सी वेव? एल वेव। ओके, और दिस कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स। रॉक्स का भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अक्कर होता है क्योंकि अगर सरफेस के ऊपर ये वेव्स आ रही है तो रॉक्स को भी आगे पीछे करेगी, राइट? तो यहाँ पर रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट अक्कर हो रहा है एंड दिस आर द मोस्ट वॉयलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव वेव। सबसे ज्यादा खतरनाक वेव्स हमारे लिए एल वेव्स ही है। ये सबसे ऊपर सरफेस पे दिख रही है और सरफेस पे ऊपर दिखने की वजह से असर भी सबसे ज्यादा करती है। आई होप आपको ये तीनों समझ आई होगी। पी वेव्स जो कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है, लाइक ए साउंड वेव्स की तरह पुश और पुल करती है रॉक्स को, लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स है वो ट्रांसवर्स वेव्स है और वाटर रिपल्स की तरह जो कि ट्रांसवर्स है। ओके, इसके अलावा इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है प्राइमरी वेव्स की, ये सबसे पहले हमारे पास सरफेस पे पहुंचती है, लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स है एस वेव्स, I forgot to write S waves, तो S waves हमारे पास कुछ टाइम के बाद पहुंचती है in comparison to primary waves। इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड 3.5 to 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइमरी वेव्स सभी मीडियम से पास होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स है वो सिर्फ सॉलिड से पास होती है, लिक्विड और गैसेस से पास नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं सरफेस वेव।
सरफेस वेव में हमारे पास लॉन्ग पीरियड वेव्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे दिखाई देती है, ये हमारे पास अर्थ के अंदर मुझे दिखाई नहीं देती है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और ये रॉक्स को भी डिस्प्लेस कर देती है, मतलब थोड़ा आगे की तरफ खिसका देती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक डायग्राम क्रिएट किया, ये हमारे पास इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ये हमारे पास मेंटल एंड द क्रस्ट। अब आप देख सकते हैं ये जो पी वेव्स है ये जो पी वेव्स है हमारे पास इनर कोर से भी गई, आउटर से भी और मेंटल और क्रस्ट सभी से पास हो रही है, लेकिन जो हमारे पास एस वेव्स है वो इनर में ना जाकर आउटर से पास हो गई। ओके, इससे पता लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास होती है और इनर कोर लिक्विड है। इसके बाद जो एल वेव्स है ये हमारे पास सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास फोकस जिसे कि हम अभिकेंद्र भी कहते हैं, ये एपिसेंटर जिसे कि हम ऊपरी केंद्र भी कहते हैं, और जो हमारे पास ऊपरी परत पे दिखाई देती है वो है एल वेव्स। आई होप आपको तीनों वेव समझ आई होगी। अब हम आगे करते हैं कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। तो ये देखिए हमारे पास कॉजेज और इफेक्ट्स, हम सबसे पहले देखते हैं कॉजेज, अर्थक्वेक किन किन कारणों की वजह से होते हैं। तो कॉजेज में हम सबसे पहले देखते हैं देयर आर कंप्रेशनल और टेंशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल और टेंशनल स्ट्रेस का मतलब ये है कि यहाँ पर खिंचाव और दबाव बहुत होता है हमारे पास अर्थ के अंदर, तो उसी खिंचाव और दबाव की वजह से, उसी स्ट्रेस की वजह से जो सडन रिलीज होता है एनर्जी का, उस सडन रिलीज से हमारे पास अर्थक्वेक अक्कर होता है, भूकंप आता है। सेकेंड हम देखते हैं सडन रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फॉल्ट और फ्रैक्चर। अब देखिए अर्थ सरफेस के अंदर, हमारे पास अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर फॉल्ट और फ्रैक्चर तो होते हैं, तो उसी फॉल्ट और फ्रैक्चर में जब उसके आसपास हमारे पास सडन रिलीज होगा, मतलब एकदम से एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने की वजह से वहां से वो फट जाती है पृथ्वी, तो उसे फॉल्ट और फ्रैक्चर के कारण ही हमारे पास जो भूकंप के इफेक्ट है वो और ज्यादा उभर के आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर इन द अर्थ इंटीरियर। हमारे पास अर्थ इंटीरियर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर है, और उसी टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से यहाँ पर हमारे पास जो भूकंप है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है और भूकंप अक्कर होता है। उसके बाद हम देखते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी। जो वोल्केनो है, वोल्केनो से भी हमारे पास अर्थक्वेक अक्कर होता है, बिकॉज वोल्केनो इतनी ज्यादा हीट रिलीज करता है, जब वो एकदम से इरप्ट होता है तो वहां पर हमारे पास एनर्जी भी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी रिलीज होने के कारण उसी हीट और टेम्परेचर, मतलब जो प्रेशर बहुत ज्यादा है अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से हमारे पास भूकंप आता है। उसके बाद हम देखते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। टेक्टोनिक प्लेट्स में, हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स में जो बाउंड्रीज है वो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ट्रांसफॉर्म होती है, या तो एक दूसरे से टकराएगी या दूर जाएगी या आगे पीछे जाएगी। तो जब ऐसा होता है तो वहां पर प्लेट्स पे एकदम से प्रेशर क्रिएट होगा, और उसी प्रेशर की वजह से हमारे पास भूकंप आते हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ह्यूमन इंड्यूस्ड, मतलब हम ह्यूमंस की वजह से जो अर्थक्वेक आ रहे हैं। ह्यूमन जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, हमारे पास मिनरल्स, ओर्स वगैरह, फॉसिल फ्यूल्स निकालते हैं पृथ्वी के अंदर से, तब भी हमारे पास भूकंप आते हैं, उनकी वजह से भी भूकंप आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम एंड द रिजर्वियर। जब भी हम कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्शन की वर्क की वजह से हमारे पास जो पृथ्वी है उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास भूकंप आते हैं, और भी बहुत हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो कि भूकंप के कारण हैं। उसके बाद हम इफेक्ट्स देखते हैं कि इफेक्ट में हमारे पास क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं भूकंप के हमारे अर्थ पे। हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, जैसे कि हमने वोल्केनो में भी देखा या अदर थिंग्स में भी होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों होते हैं, तो वैसे ही यहां पर है कि भूकंप के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट कौन कौन से हैं। भूकंप में हम सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं, क्रिएशन ऑफ अर्थ टोपोग्राफी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि जो हमारी अर्थ की टोपोग्राफी है, अर्थ का जो ऊपर का सरफेस है, वो भी क्रिएट होता है किसकी वजह से, भूकंप की वजह से। जैसे कि वोल्केनो की वजह से भी हमारे पास, मतलब ज्वालामुखी की वजह से भी हमारे पास टोपोग्राफी क्रिएट होती थी, लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे थे, वैसे ही भूकंप भी कहीं ना कहीं हमारे यहां टोपोग्राफी क्रिएट करता है अर्थ सरफेस पे। उसके बाद हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है, मतलब अर्थ का जो हमने, जैसे कि हमने देखा एस वेव्स इनर कोर से पास नहीं हो रही, इसका मतलब इनर कोर लिक्विड है, क्योंकि वो लिक्विड से पास नहीं होती। तो ऐसी ही कुछ अंडरस्टैंडिंग्स, ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है भूकंप की वजह से।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव इफेक्ट में जो सभी को पता है, नॉर्मली मैसिव डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, बहुत नुकसान होता है हमारे अर्थ सरफेस पे, अर्थ के अंदर। तो यही नुकसान, मैसिव डिस्ट्रक्शन हमारा इफेक्ट है किसका, नेगेटिव इफेक्ट है किसका, अर्थक्वेक का। उसके बाद हम देखते हैं ग्राउंड रप्चर, जो ग्राउंड है वो फट जाता है, रप्चर हो जाता है, तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट हुआ अर्थक्वेक का, भूकंप का। उसके बाद लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स भी आते हैं, सुनामी, तो ये सब हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट है किसके, भूकंप के। तो आई होप आपको कॉजेज और इफेक्ट भी समझ आएगा। तो यहाँ पर हमारा अर्थक्वेक टॉपिक कंप्लीट होता है, काफ़ी अच्छे से हमने पूरा टॉपिक किया है, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया तो अभी दबाइए, और अगर वीडियो पसंद आए और आपको समझ आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।